KGF चैप्टर 2 के रिलीज से पहले 100 करोड़ का नुकसान मेकर्स को झेलना पड़ा। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल राउंड वाला न्यूज में। अगर आप लोग रॉकिंग स्टार यस के डाई हार्ड फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। और आप लोग को जानकारी दे दूं कि KGF चैप्टर 2 को लेकर बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोरी जा रही है। ये फिल्म 14 अप्रैल के दिन रिलीज होने जा रही है और मेकर्स ने एक बहुत बड़ा सूचना दिया है सभी लोगों को, जो जानना बेशक जरूरी है। आपको बताया कि ये फिल्म तो सिनेमाघरों में रिलीज होगा ही, मगर एक तरफ इस फिल्म को रिलीज करने के लिए मेकर्स तैयार हैं, तो दूसरे तरफ इस फिल्म के पायरेसी करने के लिए काफी सारे ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं जो बेहद बहुत ही अच्छी बात नहीं। मगर आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी फिल्म की पायरेसी होता है तो उसके कलेक्शन में 10% की गिरावट हमेशा देखी जाती है। उसी तरह आप लोग को हाल ही में RRR फिल्म रिलीज हुई थी 25 मार्च के दिन, और वो फिल्म का भी पायरेसी कर दिया गया, जिसमें 10% की गिरावट देखने को मिला कलेक्शन को लेकर। उसी तरह अब जहां तक RRR के बाद अब KGF चैप्टर 2 के पायरेसी करने की तैयारी की जा रही है, और ये खबर अब मेकर्स के पास, रॉकिंग स्टार यस के पास और KGF चैप्टर 2 के सारी टीम के पास पहुंच चुकी है। उन्होंने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए MNP के द्वारा एक जहां तक रिपोर्ट दर्ज कर दिया है कि अगर किसी भी वेबसाइट पर KGF चैप्टर 2 के पायरेसी पाए जाते हैं या अपलोड करते हुए जहां तक कोई भी ऐसा पॉइंट मिल जाता है तो उसको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आप लोग इस तरह की कोशिश ना करें। ये रॉकिंग स्टार यस की तरफ से सूचना आई है, और आप लोग को बताना चाहूंगा कि कोई भी फिल्म को सिनेमा घर में जो देखने मजा है वो मोबाइल में और जहां तक लैपटॉप और कंप्यूटर पर देखने मजा नहीं है। और बेशक कोई भी एक फिल्म बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगता है ये तो मेकर्स ही समझते हैं। मेरी नजर में तो फिल्म को पायरेसी करना बिल्कुल 100% गलत लगता है, मगर आपकी नजर में ये फिल्म को पायरेसी करना गलत है या सही है, इस पर अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में जो होने वाला है बेहद खास काफी लाजवाब।